दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी YouTube की अर्निंग आपके एडसेंस अकाउंट में कब ट्रांसफर होती है, या फिर क्या आपकी YouTube अर्निंग जो है आपको YouTube पे तो दिखाई दे रही है लेकिन आपके एडसेंस अकाउंट में नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आपकी YouTube अर्निंग आपके एडसेंस अकाउंट में कब आती है, और आपकी YouTube अर्निंग अगर YouTube पर दिखाई दे रही है और महीना खत्म भी हो चुका है फिर भी आपकी YouTube की अर्निंग जो है आपके एडसेंस अकाउंट में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल की वीडियोस रेगुलर YouTube पर पाने के लिए मेरे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस रेगुलर YouTube पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल में। दोस्तों, हमें हमारी YouTube की जो अर्निंग है हमारे एडसेंस अकाउंट में कब दिखाई देगी, तो इसका जो सिंपल सा जवाब है बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो YouTube की अर्निंग होती है वो आपको एडसेंस में मिलती है 10 से 14 तारीख के बीच में, हर महीने आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका YouTube चैनल अगर हाल ही में मोनिटाइज हुआ है, जैसे कि आपका चैनल 5, 6 या 7, 8, 9 तारीख ऐसे जो मोनिटाइज हुआ है इन तारीखों, और आपका चैनल आप सोच रहे हो कि 10 तारीख को ही आपकी अर्निंग भेज दी जाएगी या 14 तारीख के बीच में जो आपकी भेज दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी अर्निंग हो सकता है कि जब तक 28 दिन ना हो तब तक आपकी अर्निंग ना भेजी जाए। अब मान लीजिए कि आपका चैनल जो है 7 तारीख को मोनेटाइज हुआ लेकिन आपकी अर्निंग 10 से 14 तारीख के बीच नहीं भेजी जाएगी, जो इसी महीने की तारीख आएगी, आपकी अर्निंग जो है नेक्स्ट मंथ भेजी जाएगी 10 से 14 तारीख के बीच में, क्योंकि आपकी अर्निंग को अभी 28 दिन नहीं हुए हैं, और जब आपकी अर्निंग को 28 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद की जो नेक्स्ट मंथ की जो होगी 10 से 14 तारीख, उस तारीख को आपकी जो अर्निंग है आपके एडसेंस में भेजी जाएगी। यानी कि नए YouTube चैनल के मोनेटाइज होने के लगभग 28 दिनों तक आपकी जो भी अर्निंग होती है वो YouTube में ही होल्ड की हुई होती है, और जब 28 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद की जो 10 से 14 तारीख होती है उस दिन आपकी अर्निंग आपके एडसेंस में भेज दी जाती है। तो ये सिंपल सा फंडा है, आपको अच्छे से समझ लेना है। इस वजह से बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि उनकी अर्निंग एडसेंस में ही नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए, आपके चैनल के मोनेटाइज होने के 28 दिनों बाद और 10 से 14 तारीख के बीच में जब आपकी अर्निंग आपके एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफर होगी तब जो है आपकी अर्निंग होल्ड में होगी। होल्ड में क्यों होगी, वो अर्निंग आपको नहीं दिखाई देगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको सबसे पहले अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस वहां पे कंप्लीट करना होगा। जब तक आप अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करोगे आपकी जो भी अर्निंग आपके एडसेंस में ट्रांसफर हुई है वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत जरूरी है, और बिल्कुल ध्यान से कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आपकी इसमें गलती हो जाती है 2 या 3, 4 बार तो आपका एडसेंस अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। कैसे आपको कंप्लीट करना है मैं थोड़ी सी आपको नॉलेज इस वीडियो में दे देता हूं, लेकिन इस बारे में मेन वीडियो कि आप किस प्रकार से अपना आईडेंटिटी वेरिफिकेशन वहां पे प्रोसेस पूरा करें, इस बारे में आपको आने वाले टाइम में अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके बता दूंगा, क्योंकि मेरा जो आईडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो अभी कल ही जो है कंप्लीट हुआ है। तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपको ये अपना आईडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, और इसके बाद ही जो है आपको पिन वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट करना होता है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। खैर, आपको अपने इस आईडेंटिटी वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जो है क्या करना है वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। आपको इसमें अपनी जो भी आईडी कार्ड होती है, जो भी वैलिड एडसेंस की तरफ से आपको बताई गई है, 4 आईडी कार्ड्स आपको बताई गई हैं, जिसमें कि इंडियन पासपोर्ट यानी कि जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वहां का पासपोर्ट अगर आपका है बना हुआ तो उसकी आप फोटो ले सकते हैं या फिर स्कैन करके कॉपी आप भेज सकते हैं पीडीएफ के रूप में भी। इसके बाद जो है पैन कार्ड आपकी कंट्री का अगर आपके नाम पे बना हुआ है तो आप उसकी फोटो लेके भेज सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसकी फोटो लेके भेज सकते हो। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो इसकी फोटो ले सकते हो। ये 4 जो आईडी कार्ड है इंडिया में तो वैलिड बताए गए हैं एडसेंस की तरफ से। आधार कार्ड जो है वैलिड नहीं बताया गया। आपको जो 4 डॉक्यूमेंट्स है इन्हीं 4 को वैलिड माना गया है। ये 4 डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आपके उस डॉक्यूमेंट की जो है फ्रंट फोटो आपको वहां पे क्लिक करनी है, उसको चारों कोनों को क्रॉप करना है, अच्छे से बिल्कुल सुंदर साफ सुथरा दिखना चाहिए, जूम करने पर भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है, धुंधला नहीं होना चाहिए, और क्रॉप अच्छे से किया होना चाहिए चारों कोनों पर। जब आप ये सब कर दें तो फोटो सेव करने के बाद आपको उसको अपलोड कर देना है अपने उस एडसेंस में। आपको ऑप्शन दिखाई देगा फोटो अपलोड का, वहां आपको क्लिक करना है, फोटो गैलरी में आपको दिख जाएगी, वहां से क्लिक करना है और उसे अपलोड कर देना है। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो फोटो अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट की कॉपी है तो उसे अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ है तो उसे अपलोड कर सकते हैं, आप मतलब कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि अच्छे से साफ सुथरा तरीके से होना चाहिए। दोनों साइड की फोटो जो है अपलोड नहीं करनी है, बस एक ही फोटो अपलोड करनी है और फ्रंट साइड की ही करनी है, और ये अच्छे से वैलिड माना जाएगा।
और जब अपना इस आईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस को आप पूरा कर लोगे तो जब आपकी आईडी एडसेंस को मिलेगी तब तक आपका जो अमाउंट है जो भी आपकी यूट्यूब से आपके एडसेंस में आपको भेजा गया है जिसका नोटिफिकेशन आपको मिला होगा ईमेल पे या फिर अपने डेस्कटॉप वर्जन में यूट्यूब के, तो वहां पे जो आपको मैसेज मिला होगा तो वो जो आपकी अर्निंग होती है वो आपके एडसेंस में तो ट्रांसफर हो जाएगी लेकिन होल्ड पे होती है जब तक कि आपका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन जो है वो वहां पे पूरा नहीं हो जाता है। जब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहां पे पूरा हो जाएगा तो आपकी जो भी अर्निंग आपको भेजी गई है वो आपको अच्छे से वहां पे एडसेंस में दिखा दी जाएगी और आपके जो $100 का वहां पे थ्रेशोल्ड होता है वहां आपको दिखाई देगी और इसके अलावा किस महीने की अर्निंग कब से कब तक की आपको भेजी गई है वो सारी जानकारी आपको वहां पे दिखाई देगी, अच्छे से वहां पे उसको चेक कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में बताई गई बातें भी आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई चीज और जाननी है एडसेंस से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो पर पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल अनिल ठाकुर ऑफिशियल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।